जग के सारे धर्म पुराणों से पाया ये ज्ञान। दीनहीन की सेवा से ही मिलता है भगवान। दौलत शोहरत और ताकत पर मत करना अभिमान। पाना है तो देना होगा सबको तुम्हें का भेद पुसने जाना। औरों के सुख दुख को जिसने अपना सुख दुख माना, वो ही युग मानव कहलाया, वो सच्चा तुम्हें दरवाजा खोलिए डॉक्टर बाबू। न जाने इतनी रात कौन आया होगा। दरवाजा खोलिए। आता हूं भाई। डॉक्टर बाबू मेरे बच्चे को बचा दीजिए। डॉक्टर बाबू क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? कहां से आए हो तुम? पास के गांव से आया हूं डॉक्टर बाबू। दो दिन से मेरा पोता बुखार में तड़प रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। धीरज रखो। उसे बचा दीजिए। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर आ जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो
आने की कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो बच्चा थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा मुन्ना सचमुच डॉक्टर बाबू, आप इंसान नहीं भगवान। अरे भाई मुझे इतना बड़ा नाम मत दो, बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगर तुम एहसान चुकाना ही चाहते हो तो बस एक कप चाय पी। आप देखिए मैं चाय बना के लाती हूं। ठीक है, सुनो ये पुड़िया रख लो। जी डॉक्टर साहब। इसमें 6 खुराक दवा है, जी दो दो घंटे से दूध के साथ पिला देना, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों, ये क्या कह रही हो शांति भाई, क्या हुआ? रामू और श्यामू दोनों अपनी जान पर तुले हुए हैं, जल्दी चलिए। अच्छा चल चलो चल। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों है? छोड़ो, बंटवारे में सिंचाई वाली जमीन इसने रख ली, बाकी मुझे दे दी। नहीं डॉक्टर साहब, झूठ बोलता, ऐसा मैंने नहीं किया। तुम इस औरत को पहचानते हो? ये मेरी माँ है। तुम इसे प्यार करते हो कि नहीं? अपनी जान से भी बढ़कर। और तुम? मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। देखो जैसे ये तुम्हारी माँ है ऐसे धरती माँ भी तुम्हारी माँ है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और फिर देखो संसार में कम ज्यादा अच्छा बुरा ये तो चलता ही रहता है, उसके लिए ऐसा झगड़ा खून खराबी। शांति भाई अब तो ठीक है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार मुखिया जी, क्या हाल है? और भाई घनश्याम? डॉक्टर साहब हमारी आपसे एक विनती है। हाँ हाँ कहिए। डॉक्टर साहब हमारा आधा गांव बीमार पड़ा हुआ है, आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, हम चाहते हैं आप हमारे गांव में एक दवा खाना खोल लें ताकि मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा। भाई सच कहूं तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। और यकीन जानिए कल से आपके गांव में ही दवा खाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा चलता हूँ। अच्छा।
दर्द हो रहा हो? जाए लगा पकड़ जा। नमस्ते। आओ भैया बैठो। डॉक्टर बाबू मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा यहाँ? यहाँ जीभ दिखाओ। चलो घबराने की कोई बात नहीं है, सर्दी लग गई है ना तो ठंडा पानी मत पीना और ये पुड़िया दिन में 3 मरतबा लेना। मेरे पास पैसे कम हैं मगर मैं कसम खाता हूँ बाकी के पैसे जरूर लौटा दूंगा। ठीक है तुम्हारे पास फीस नहीं है लेकिन ईमानदारी और विश्वास की दौलत बहुत है। ठीक जाओ ये पुड़िया ले जाओ। नमस्ते। अरे मुखिया जी आप। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। कहिए मुखिया जी कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब ये मेरे गांव के घनश्याम हैं, ये मेरे रिश्तेदार प्रकाश बाबू हैं। बचपन में प्रकाश बाबू के बेटे का विवाह घनश्याम की बेटी से हो गया था। अब प्रकाश घनश्याम की बेटी को बहू मानने से इनकार कर रहा है। मैं तो समझाते समझाते थक चुका हूँ, मानता ही नहीं है। आप समझाइए डॉक्टर। तो इसमें झूठ क्या है? मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में 20,000 रुपया खर्चा किया है और ये मुझे पैसे देने से इनकार करता है। मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊं डॉक्टर बाबू? प्रकाश बाबू तुम्हारी कोई बेटी है? फिर तो वो लड़का भी तुमसे अपनी पढ़ाई का खर्चा वसूल करेगा और हो सकता है उसने अपनी पढ़ाई पर 1,00,000 रुपये खर्च किया हो, तो क्या तुम वो 1,00,000 रुपये दे सकते हो? फिर तुम घनश्याम से रुपए की उम्मीद क्यों करते हो? देखो प्रकाश बाबू, शादी विवाह एक पवित्र बंधन है, इसे कभी ऐसे मत तोड़। बस कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आया तो यहाँ पैसे के लिए था लेकिन पैसे से भी अनमोल शिक्षा लेकर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर देना घनश्याम, मुझसे भूल हो गई। डॉक्टर साहब। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, कौन हो तुम? मैं भोला राम हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो डॉक्टर साहब। माँ बाप का साया तो बचपन से ही उठ गया, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं अपने भाइयों के साथ में रहता था, वो सब अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर नौकरी के लिए चले गए। मैं यहीं गाँव में रहकर सेवा करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए डॉक्टर साहब। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपाउंडरी का काम सिखाऊंगा, हैं? तुम कल से मेरे दवाखाने आ जाना, ठीक है? तुम तो अपने काम में बहुत परफेक्ट हो गए भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था। डॉक्टर साहब ये सब आप ही की कृपा है। नहीं बोला, इसमें तुम्हारी मेहनत और लगन है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की।
बाबूजी। हाँ बोला। डॉक्टर साहब का प्यार और अपनापन पाकर मैं तो अपनी हैसियत ही भूल गया था। क्षमा करना, मुझसे भूलो पे ही बेटे, अभी बात करूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए राम प्रसाद जी, आइए आइए बैठिए। कहिए कैसी तबीयत है? आप जैसा दोस्त डॉक्टर होते हुए मेरी तबीयत को क्या हो सकता? ऐसी बात नहीं है राम प्रसाद, दवा के साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी है, और फिर डायबिटीज में परहेज तो करना ही पड़ता है। सबसे पहले तो मेरा परहेज तुम्ही ने तोड़ दिया। मैंने? वो कैसे? हाँ वही, मैं डायबिटीज का रोगी हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों में इतनी मिठास है जो शक्कर में भी नहीं। चलता हूँ भाई। अरे अरे, अभी तो आए हो यार, कहाँ जा रहे हो? फिर कभी आऊंगा, घर मेहमान आए हुए। कौन ससुराल के लोग आए हैं? अच्छा भाई दीनानाथ, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अरे अभी कहाँ आराम है, अभी तो प्रभात को पढ़ाना है, उसकी परीक्षाएं सर पर हैं। अरे हाँ दीनानाथ, प्रभात के नाम से मुझे कुछ याद आ गया, पता नहीं क्यों जो कुछ मैंने सुना यकीन नहीं आ रहा। ऐसी क्या बात हो गई? अभी रास्ते में आते हुए मुझे ईश्वरदास मिला था, मैं बता रहा था, बोला जमुनादास को पट्टी बांध रहा था, उसकी कोहनी पर मामूली चोट लगी थी, उसने जिद में आकर भोला से आदेश दिया कि वो उसे पट्टी बांधे। भोला ने प्रभात से थोड़ी देर रुकने की प्रार्थना की तो प्रभात ने भोला को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम नहीं जानते अस्पताल हमारा है। पता नहीं राम प्रसाद, ये आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है, लेकिन ये प्रभात वहाँ कैसे पहुँच गया? एक दूसरे गांव के बच्चे फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं। चिंता मत करो, बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। बाबूजी,
आप यहाँ इस वक्त? बाबूजी अंदर आइए। नहीं बोला, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्रभात की करनी का मुझे बहुत दुख है, बाबूजी माफ कर दो। बोला बाबूजी, राजा मुन्ना तो अभी बच्चे हैं, मैंने उनकी बात का बुरा थोड़ी माना। नहीं भोला, मेरे खिलाए हुए फूल के कांटों का दर्द मुझे आज महसूस हो रहा है। मुझे माफ कर दो भोला, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया। हाँ सागर, सुनो जी, तुम अपना सामान लेके जरा दवाखाने चले जाओ और वहाँ के साइन बोर्ड पर मालिक के स्थान से मेरा नाम हटाकर भोला कंपाउंडर का नाम लिख देना। जैसे आपकी आज्ञा डॉक्टर साहब। जाओ बेटा, जरा जल्दी कर दो। डॉक्टर साहब ने मुझे जो लिखने को कहा था सो मैंने लिख दिया। ये अस्पताल हमारा, मेरे आदेश की अनसुनी कर रहे हो, दूसरों के इलाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये अस्पताल हमारा, मेरे आदेश की अनसुनी कर रहे हो, दूसरों के इलाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। बेटा, माफी उससे मांगो जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। प्रभात बेटे, आओ आओ, अंदर आओ। भोला दादा मुझे क्षमा कर दीजिए, पिताजी मुझसे नाराज हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे बेटे, जब हम बुरा ही नहीं माने तो क्षमा कैसा करना है? अरे चलो, हम तुम्हें घर छोड़ कर आते हैं। चलो। नहीं नहीं, आप दवाखाने में जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा तो तुम घर जाओ है, जाओ। कुछ नहीं है, ये लीजिए, ये दवा इसको 4-4 घंटे से पिला दीजिए, और ये आपके लिए, ठीक है? जाओ।
ओला, मैं घर चलता हूँ, तुम दवाखाना ठीक से बंद कर देना। बाबूजी, मुन्ना बाबू घर आए थे, बहुत ही शर्मिंदा थे, माफी मांग रहे थे, आप भी उन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। भोला, माफ तो उसे तुम ही को करना है। बाबूजी, आप भी तो। प्रभात, प्रभात बेटा। जी पिताजी। यहाँ आओ। देखो बेटा, सम्मान पाने का वो तरीका नहीं है जो तुमने अपनाया था। सम्मान की दौलत तो बांटने से बढ़ती है, बटोरने या समेटने से घटती है। जी पिताजी। सम्मान के सूत्र का प्रतिपादन करना चाहिए और उसी के अनुसार जिंदगी जीना चाहिए, तभी सम्मान मिलता है और वही योग पुरुष कहलाता है बेटा। जा, अब पढ़ाई करो। अच्छा पिताजी। तारी, मैं भी आज से पढ़ाई के साथ साथ जन सेवा में हाथ बटाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। सब